AOSIP ट्रिफिस्ट का एंड्रॉयड की अपडेट, जिसे फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें जो नई देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं क्या है चेंज लॉग, क्या है कस्टमाइजेशन और कितना हुआ है इम्प्रूव इसका स्टेबिलिटी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सपोर्ट 5 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अभी तक पीछे ही है सिक्योरिटी पैच के मामले में, बट जल्दी हमें नया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ड्रिफ्ट वर्जन है 10 ऑफिशियल मिडो, बिल्ड डेट आपको मिलता है 2021-2 का, ऑफिशियल टाइप है बिल्ड का और यहाँ पे EDITH जो कि जालविस का है वो यूज किया गया है। बैक की ओर चलते हैं तो आपको वहीं पे हमेशा की तरह डेवलपर ऑप्शन इनेबल मिलता है, ड्रिफ्ट का अपडेटर सेशन मिल जाता है जहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम कर पाओगे। आगे एंड्रॉयड 10 का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको जो बिल्ड प्रो के थ्रू इनेबल करना होगा या फिर मैजिक मॉड्यूल के थ्रू, तब जाकर आप बैक वाला बेनिफिट है जो ले पाओगे। तो पहले से डिसेबल रहता है, लेकिन आप इनेबल करके है जो फुल बेनिफिट है जो ले पाओगे। बहुत सारी छोटी छोटी मिरर चेंजिंग की गई है, जैसे अगर मैं यहाँ पर स्लाइड करता हूँ उसके बाद ऊपर की ओर जाऊँगा मैं, तो आपको कुछ एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सर्च बार आ रहा है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड हल्का हल्का ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा होगा जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। तो काफ़ी अच्छा चेंजिंग है जो हमें दिखाई देता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा लगा और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगा, जबकि पहले वाले में हमें देखने को नहीं मिलता था। वहीं पे फाइल मैनेजर की ओर आते हैं और यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आपको अलग कलर का देखने को मिलेगा, जबकि पहले हमें प्योर व्हाइट देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे भी आपको चेंजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं अभी पिक्सल एक्सपीरियंस का लाइव वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ, जो कि पहले वाले बिल्ड में हमें प्रॉब्लम आती थी कि जब भी हम लाइव वॉलपेपर को ऐड करते थे तो बहुत ज़्यादा लैग्स देखने को मिलते थे, तो उसे जो फुल्ली फिक्स्ड कर दिया गया है। अगर इसके अनटूटू का स्कोर की बात की जाए जो कि जालविस का है IDITH समथिंग है, तो इस पे जो स्कोर मिला है वो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ठीक है 79284 का, लेकिन आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए और ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप अंडरग्राउंड यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोई फेवरेट अदर किरनल है उसका आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज मिलेगी। बट यहाँ पे जो भी है वो आपको काफ़ी बेहतरीन जो प्रोवाइड कर देता है बैटरी डिटेल। यहाँ पे मैंने स्टैंड बाई भी जो टेस्ट किया है, तो स्टैंड बाई मुझे सिर्फ 5% के आसपास का जो बैटरी ड्रेन देखने को मिला है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना ड्रेन है जो रियल में हुआ है। तो हम आ जाते हैं स्क्रीनशॉट के ऊपर, तो आप देख पाओगे कि मैंने इसे यूज करना है जो लेफ्ट किया था नाइट में 100% कंप्लीट करके, जिसमें ऑन टाइमिंग और स्क्रीन ऑन और लास्ट चार्जिंग दोनों जो 00 मिनट है। जब मैं इसे मॉर्निंग पे अगर चेक करता हूँ करीब करीब 8 आवर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, तो बैटरी परसेंटेज आ जाती है हमारी 94, यानी 6% का बैटरी ड्रेन हुआ है 8 आवर्स के अंदर, जो कि एंड्रॉयड 10 का है वो भी 4G के नेटवर्क पे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है जो इंप्रूवमेंट है बैटरी के मामले में। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट ट्रेवल मिल जाता है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का एडवांस फीचर्स भी मिलता है, आप इसे इजीली रूट भी कर सकते हो, बैंकिंग ऐप वगैरह यूज कर पाओगे इजीली, कोई भी इशूज वगैरह है जो नहीं आती है। बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का सपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि आपका गुडिक्स अभी तक डेड है, तो भाई डेड ही रहेगा, कोई भी इंप्रूवमेंट आपको गुडिक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो जैसा था वैसा ही है। MI साउंड इनहेंसर आप यूज कर सकते हो, आपको अच्छा सा स्टेबिलिटी वगैरह है जो देखने को मिलेगा और साउंड की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट सा है जो फील हो जाता है। यहीं पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे वही सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमें पहले भी मिलते थे और ड्राइवर वगैरह भी ऐड किया गया है। अगर हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आकर डबल टैप करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि एज लाइटिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो अब बहुत सारे रूम्स में हमें देखने को मिल जा रहा है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। यहाँ पे आप देख पाओगे थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं आजकल, तो फोन ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, तो 1 आवर 14 मिनट तक ऑन टाइमिंग है और 15 आवर्स पहले से फ्लैश किया गया था और अभी 73% बैटरी आई है, तो मैं कहूँगा भाई लॉन्गर स्टैंड बाई के अंदर इतना ड्रेन तो चलता है, तो बैटरी मुझे सही लगी है। फिर भी आप इंप्रूवमेंट के लिए अदर किरनल यूज कर सकते हो। थीमिंग का एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन पहले डिस्प्ले में मिलता था, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पूरा लेटेस्ट कर दिया गया है, आपको पिक्सल के वॉलपेपर वगैरह टाइमिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। यहाँ पे स्टाइल्स में आपको देखने को मिलता है लाइट और डार्क वगैरह। बैक की ओर चलते हैं तो स्टेटस बार में आपको मिल जाता है आइकन शो एंड हाइड, जहाँ पे आप वोल्टेज के मन चाहे आइकन को जो सेट कर पाओगे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो ये पहले वाले बिल्ड में भी आ गया था और अभी भी आपको देखने को मिलता है। कस्टम लोगो वगैरह जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ड्रिफ्ट का, जो कि यहाँ पे नज़र आता है, तो आप चाहो तो इसे एडिट भी है जो कर सकते हो, कुछ इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सेट कर सकते हो। बाकी ट्रैफिक इंडक्टर वगैरह है जो टाइमिंग है और ये बैटरी परसेंटेज कैरियर लेवल वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ETC रखा गया है और बैटरी लेवल रखा गया है, तो फॉन्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि पुल डाउन वगैरह देखने को मिल जाता है, वाइब्रेशन ऑन टच और फिंगरप्रिंट, MIC क्लॉक, बैटरी परसेंटेज और
QoS वगैरह दिखाई देते हैं। बटन के कस्टमाइजेशन पे हर एक बटन के ऊपर आपको ट्रिपल वाला कस्टमाइजेशन मिलता है जो कि पहले भी हमें मिलता हुआ आया था। चेंजलॉग में काफ़ी कुछ मेंटेन किया गया है जो कि मैं आप आपको शो कर रहा हूँ, इसलिए चेंजलॉग की जगह मैं डायरेक्ट आपको यूजर इंटरफेस ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नेम बार आप इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप देखो इनेबल कर लोगे बिल्ड प्रूफ से तो जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल टैप पे लॉक करने का लॉक स्क्रीन पे और स्टेटस बार पे और ट्रिपल फिंगर के थ्रू आपका स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। पावर मेनू पे आप क्या क्या ऑप्शन इनेबल और डिसेबल रखना चाहते हो वो आप कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर आपको चार्जिंग नोटिफिकेशन, चार्जिंग एनिमेशन, एम्बिएंट वाइब्रेशन, कॉलिंग के लिए, डिस्कनेक्टिंग के लिए और कॉल वेटिंग के लिए, फ्लैश लाइट जो कि हमें पाई में भी देखने को मिलता है, कॉलिंग के टाइम, एज लाइटिंग आप जैसा चाहो कलर है जो ऐसा अपना है जो खुद से डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पे जब भी आप लॉक स्क्रीन पे आओगे, जब भी कोई नोटिफिकेशन अपेयर होगा तो आपको अपना फेवरेट कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ऑटो अरेंज भी है जो यहाँ पे कर सकते हो जो कि मुझे सही लगा। यहाँ पे एनिमेशन जो कि हर एक टास्क को एनिमेट करता है, मिसलिनियस के अंदर आपको मिल जाता है वेकअप टाइम, CPU, डोज, ब्राइटनेस वगैरह जो कि फुल्ली वर्केबल है। तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ जो परफेक्ट लगा है और पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है जो यहाँ पे हो गया है। आप GKM का कैमरा यहाँ पे यूज कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट ये वाला कैमरा जो दिया गया है, तो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर कि आपको कौन सा कैमरा यूज करना है या फिर नहीं। बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि भाई हमारा प्ले स्टोर सर्टिफाइड है या नहीं, ये जरूर शो कर देना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आ जाते हैं हम सेटिंग्स की और प्ले स्टोर की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डिवाइस है जो सर्टिफाइड है तो आपको ऑल डिटेल वगैरह जो देखने को मिल जाती है, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड लगा है पहले के मुकाबले। तो आप इसे डेली लाइफ में मजे से यूज कर पाओगे, दिक्कत वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज कर रहे हो तो आप अपना बैटरी डिटेल मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं बाकी के साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन मुझे बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड लगी है। और बेटर हेल्प और सपोर्ट के लिए आप टेलीग्राम वगैरह जो ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको फ्यूचर हेल्प भी है जो मिलती रहे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।